तनवीर, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाहे वो 25 वाले दो को हमने बहुत कल डिस्कस कर लिया, मैं चाहता हूं उससे मूव ऑन होकर बात करें, लेकिन ये कितना जरूरी था और ये कितना बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तान के लिए कि आप एक मैच खेलकर, आपके बॉलर्स विकेट लेकर, बाबर सेंचुरी बनाकर, इफ्तिखार एक पहली सेंचुरी बनाकर कॉन्फिडेंस के साथ उस मैच में एंटर होंगे। भारत का प्रॉब्लम यह है कि KR राहुल नहीं खेल रहे, श्रियाज सैयर अपना पहला मैच शायद खेलेंगे, जसप्रीत बुमराह का तो डेफिनेटली पहला मैच है इंजरी के बाद। पाकिस्तान लुक मोर सेटल्ड एंड यू नो एक मोमेंटम के साथ जा रहे हैं, ये एक एडवांटेज है आपके ख्याल में भी? बिल्कुल, और आपका स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त हुआ है मुल्तान से। पाकिस्तान का नो डाउट सामने वाली टीम जो है बहुत वीक थी, लेकिन जो जब आप जीतते हैं एक बड़ा टूर्नामेंट खेलने जब जाते हैं और आप पहला मैच ही जीतते हैं तो उसका जो कॉन्फिडेंस का लेवल वो बहुत अच्छा होता है। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसमें तो कोई शक नहीं है, बाबर आजम का हमेशा हमें पता है कि इसके बगैर ज़रा टीम थोड़ी सी वीक नज़र आती है, लेकिन ये अच्छा लगा कि रिजवान की फॉर्म वापस आ रही है, रिजवान रन्स करने लग गए हैं। फिर इफ्तिखार, जो हम ये सोच रहे थे कि यार नीचे का जो प्लेयर है कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो अगर ऊपर से परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हो रही और नीचे से आके वो बड़े बड़े रन्स करे, और ज़रूरत हमें पड़ी भी। बिल्कुल, देखें चाहे वीक टीम है चाहे कोई भी, अगर आप में टैलेंट है आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब मैं हमेशा ये बोलता हूँ, शादाब हो गया, इफ्तिखार हो गया, या और जो हमारे जो प्लेयर्स हैं, मैं नवाज़ हो गया, इन सब के बारे में मैं ये हमेशा ये बात बोलता हूँ कि भाई आप में बैटिंग का टैलेंट भी है, अगर आप कंसिस्टेंट बैटिंग अच्छी करते चले जाएंगे तो पाकिस्तान टीम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इफ्तिखार की सूरत में हमारे पास ऑफ स्पिनर भी है, लेकिन हम कभी कभार इफ्तिखार से बॉलिंग करवाते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें, इफ्तिखार बैटिंग कर सकता है, सलमान आगा बैटिंग कर सकता है, दोनों स्पिन करते हैं, दोनों ऑलराउंडर हैं, दोनों ऑलराउंडर हैं, नवाज है आपके पास, शादाब है आपके पास, उसामा मीर आपके पास, तो आप इनके साथ स्पेशली इफ्तिखार और सलमान के साथ ऐसा मत करें कि इनको महदूद कर दें आप। देखिए तनवीर, वो जो T20 में हुआ वही खबरें फिर मौजूद हैं, 50-60% तक रेन फोरकास्ट है, और ये हैवी वनडे मैच। T20 में तो चलें आपको 6 ओवर्स मिल जाएं तो आपका रिजल्ट आता है, वनडे में तो आपको जो है वो एक लंबी क्रिकेट चाहिए, और फिर डेफिनेटली सब देखना भी चाहते हैं मैच। तो आप कितने परेशान हैं इस खबर से कि यह बारिश वो भी पूरे मैच टाइमिंग में मौजूद है? अब कल हमें 100% पता चल जाएगा, 24 घंटे की फोरकास्ट शायद ज़्यादा एक्यूरेट होती है, बट दोनों टीमें क्या सोच रही होंगी जब आपको इतने बड़े मैच के बारे में भी सोचना है, 11 के बारे में भी, ओपोनेंट के बारे में भी, फिर ऊपर भी देखना ही थी बारिश कब होगी या नहीं होगी। यार टूर्नामेंट की जो भी टीमें होती हैं, जो बहुत अच्छी टीम्स होती हैं, वो आपस में ज़रूर खेलना चाहती हैं, और एक तो वो ये समझते हैं कि भाई हमारे बारे में कोई ये ना बोले कि जी हल्की टीमों को हरा के आ जाते हैं। अच्छी टीम्स के ख़िलाफ़ आप खेलेंगे, वो जो जो एक गेम की एक वो जो एनर्जी होती है वो बहुत अलग आपको नज़र आती है। सही है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो कहते हैं कि बड़ी टीम के जो बॉलर्स हैं, अब आप ये देखें कि अगर रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, के राहुल पता नहीं वो खेलते नहीं खेलते नहीं, सूर्य कुमार यादव जो है, ये जो इनकी बैटिंग लाइनअप है, हार्दिक पांड्या है, ये जरूर सोच रहे होंगे कि हम शाहीन को छक्के मारें, हम हार्दिक इसको हारिस रूफ के अगेंस्ट जाएं, हम नसीम शाह के अगेंस्ट जाएं, इनके स्पिनर्स के खिलाफ जाएं। इसी तरीके से हमारे बैट्समैन भी ये सोच रहे होंगे कि इनकी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ हम रन करें, क्योंकि जब आप बड़ी टीम के खिलाफ रन्स करते हैं तो आपकी जो रेपुटेशन है बहुत अच्छी बनती है। और पाकिस्तान और इंडिया के मैच में हमेशा यही होता है कि जब भी आप मैच खेलते हैं वो जो लेवल होता है उस मैच का वो ज़रूर डिफरेंट होता है। फिर उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो मुझे जो लगती है, क्रिकेट तो आप खेलते हैं, क्रिकेट के अलावा जो आउटसाइड जो चीज़ें मीडिया में आती हैं, कोई सलाम कर रहा है, कोई मिल रहा है, कोई मजाक चल रहा है, कोई क्या हो रहा है, ये जो चीज़ें स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान की जो आपस में हमें नज़र आती हैं, उससे जो हमें एक चीज़ नज़र आती है कि वाकई इनमें कोई टेंशन, कोई परेशानी कोई नहीं है, सब चाहते हैं कि एक साथ रहें, खेलें, और बाहर भी एक साथ घूमें फिरें, जो भी हमारे लोग या इंडिया के जो भी सोचते हैं। और ये चीज़ें 2019 के बाद तनवीर, ये पहला वनडे मैच है, बहुत कुछ तब्दील हो गया 2019 के बाद। वो जो मैच था आपको याद है, रोहित शर्मा की जबरदस्त सेंचुरी थी, बिल्कुल आउट क्लास किया। मैं तो ये सोच रहा था कि एशिया कप का जो स्टार्ट ही इंडिया पाकिस्तान से होना चाहिए, तो मजा ही आ गया ऑडियो, लेकिन चूंकि हम होस्ट थे और इंडिया ने मजा ही याद कर दिया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बाबर ने भी कल कहा, एशिया कप के मैच की बात नहीं कर रहा मैं, ICC के टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान और इंडिया के से ही आप टूर्नामेंट का आगाज करें, फिर आप देखना कितना ऊपर जाएगा ये टूर्नामेंट। ये पॉइंट आपका नोट कर लिया गया है, हुकम में वाला मेरा पॉइंट, एक्शन ले लें जरूर जरूर। अगर मैं बड़ा नाम या लेजेंड होता तो नोट किया जाता, क्योंकि लेजेंड की बहुत सुनी जाती है। नहीं नहीं, आपकी बात भी सुनी जाती है, अगर बोले तो सुनी जाती। दोनों टीमों की जो जाहिर बात है टीमें पहुंच चुकी है, पाकिस्तान टीम अब कैंडी पहुंचने वाली होगी, और
वैसे ही पूछ रहा हूँ, वैसे तो प्रोफेशनल थे आप, कल रात या मैच खेलते ही आधी रात को फ्लाइट पकड़ी, आज सुबह कोलंबो पहुंचे, आज कैंडी पहुंचेंगे, आज रेस्ट है, सिर्फ कल प्रैक्टिस करेंगे, तो आई थिंक ये कोई इतनी जेट लैगिंग तो नहीं है ना, प्रोफेशनल हैं आप लोग। मैं इस चीज को अब नहीं मानता, मूव ऑन करते हैं। अब आप बताएं कि अपना रीजन ही दोनों टीमों का पलड़ा, और खास तौर पर अगर बल्कि बांग्लादेश श्रीलंका के मैच को भी जरा वैल्यू दे दें, वो भी बड़ा तगड़ा मैच चल रहा है इस वक्त, 135 से 5 आउट है बांग्लादेश के, और श्रीलंका हम समझ रहे थे तन्वीर के शायद 4 खिलाड़ी नहीं है तो शायद उनको प्रॉब्लम होगी, लेकिन अब तक उन्होंने बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट खेली है। पिच को देख के आपकी क्या राय है, जो श्रीलंका में मैच हुआ, मुल्तान में तो चले 342 बन गए, पर यहाँ आपका क्या अंदाजा है, क्या बैटिंग हो रही है, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है श्रीलंका ने कि 135 से 5 आउट कर लिए हैं, और फिर पाकिस्तान इंडिया मैच सेम ग्राउंड पर होना है, इसको आप कैसे लिंक करेंगे? यार बांग्लादेश की जो बैटिंग है वो स्ट्रांग नहीं है मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर आप श्रीलंका की बॉलिंग देखें, राजिता जो है वो बड़ी ज़बरदस्त एक जगह पे स्विंग, दोनों स्विंग बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, फिर उसके बाद इनके जो स्पिनर हैं, जो फिंगर स्पिनर शाना भी हैं उनके पास, धनंजय भी हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त, धनंजय बड़ी ज़बरदस्त, फिर उसके बाद वो जो लसित मलिंगा की तरह परिताना नाम है या क्या नाम है, माजरत अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ, मुश्किल थोड़े से इनके नाम है, नए नाम है तो इसीलिए तो हमने नेपाल के नाम ही याद नहीं किए गए, रहने ही दो, बड़ी रजीता है इसी तरह, ठीक शाना, फिर धनंजय, मतीशा, फिर वलेगी और शनाका इनके जो है वो इस पर, तो ये जो बॉलिंग लाइनअप है ये बांग्लादेश के हिसाब से बहुत ही टॉप क्लास की, फिर उसके बाद वो अपनी कंट्री में खेल रहे हैं, लेकिन हमने ये देखा है हमेशा कि अभी आपने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सीरीज हुई थी इसमें भी आपने देखा कि अंडर लाइट नए बॉल पे वो बहुत मुश्किलात हो रही थी, अब देखना ये है कि ये जो है बांग्लादेश की जो बॉलिंग है वो अंडर लाइट्स कैसी जो है वो बॉलिंग करते हैं, क्या मुश्किलात डाल सकते हैं इनको श्रीलंका की टीम को, ये देखना बहुत जरूरी है, लेकिन फिलहाल श्रीलंका की पोजीशन अच्छी लग रही है।